नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी टच करिएगा नया वीडियो पाने के लिए। ये पढ़ रहे हैं आप एनसीईआरटी पैटर्न का नया सिलेबस इन हिंदी माध्यम, ये भाग जो है गणित 12 जो है क्लास 12 का गणित भाग 1 का जो है प्रश्नावली 597 जो है कह रहा है कि फलनों की द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करिए। ठीक है, द्वितीय कोटि का कह रहा है इसको, यानी दो बार अवकलन करना है। तो इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए वाई बराबर, ई पावर 6x और कॉस 3x है। ठीक है, तो x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करने पर तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स। यहाँ हम क्या करेंगे, ई पावर 6x को छोड़ेंगे, इसका करेंगे अवकलन, तो ये माइनस साइन 3x हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स का जैसे साइन एक्स होता है तो इसे कॉस एक्स का या कॉस 3x का हो जाएगा माइनस साइन 3x। एक बार इसके एंगल का करेंगे तो 3x का अवकलन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कॉस 3x को छोड़ेंगे तो इसका करेंगे, तो कॉस 3x को छोड़ेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, यहाँ ई पावर 6x हो जाएगा, और 6 इसके एक बार इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ से ई पावर 6x साइन 3x, यहाँ 3 भी आया क्योंकि गुणा है यहाँ इससे, और यहाँ ये है गुणा यहाँ, तो 6 कॉस 3x ई पावर 6x। ठीक है, ये हो गया एक बार जो है अवकलन हो गया। ठीक है, दोबारा दोनों पक्षों का, अवकलन अवकलन करने पर, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ ये कि हमने क्या किया, ई पावर 6x का एक बार छोड़ दिया, इसका अवकलन किया कॉस 3x का, ठीक है, गुणे 3, एक बार कॉस 3x का छोड़ दिया तो एक बार फिर इसका किया, तो कॉस 3x का जैसे कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, इसके जगह 3x है तो यहाँ भी साइन 3x हो गया। एक बार इसके एंगल का होता है तो इसका एंगल का हो गया एक्स का 1 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ 3 हो गया। ठीक, फिर कॉस 3x का छोड़े इसका किए तो ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही होता है, यानी ई पावर 6x का अवकलन ई पावर 6x होगा, और एक बार 6x का अवकलन करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा करेंगे तो डी वाई डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा यहाँ से, यानी कि माइनस 3 कॉमन लेना पड़ेगा, ई पावर 6x का छोड़ेंगे साइन 3x का अवकलन करेंगे तो कॉस 3x हो गया, और 3x का अवकलन एक बार करेंगे तो यहाँ फिर 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, ई पावर 6x का छोड़ दिया, अब साइन 3x का अवकलन करेंगे तो कॉस 3x हो गया, और फिर इसके एंगल का करेंगे तो 3x x का 1 हो जाएगा, जितने 3 आ गया। अब यहाँ हम साइन 3x का छोड़ेंगे तो ई पावर 6 का अवकलन करेंगे तो 6x आएगा, वही एक बार 6 का करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ 6 कॉमन ले लेंगे, यहाँ एक बार क्या करेंगे, यहाँ कॉस 3x का छोड़ेंगे, ई पावर 6x का अवकलन करेंगे तो 6x का आ जाएगा, और 6x का अवकलन करेंगे तो यहाँ एक बार 6 आ जाएगा, जैसे इसमें हुआ था, इसका एक बार एंगल करेंगे, एक बार ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, यहाँ से जो है ई पावर 6x ये इसका हो गया। ठीक है, यहाँ तक इस वाले का अवकलन, ठीक, और फिर यहाँ 6 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ कॉस 3x को छोड़ रहे हैं तो ई पावर 6x का अवकलन जो है वही होगा, और इसके एंगल का करेंगे ये वाला, ठीक है, यहाँ एक्स का 1 हो जाएगा इसलिए 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, प्लस अब हम क्या करेंगे, इसको छोड़े थे, अब यहाँ हम छोड़ेंगे ई पावर 6x का छोड़ेंगे और कॉस 3x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन 3x, और 3x का अवकलन करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है इससे बड़ा में। तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 ई पावर 6x 3 कॉस 3x और 6 साइन 3x ई पावर 6x ये हो जाएगा, प्लस 6 यहाँ 6 कॉस 3x ई पावर 6x माइनस 3 ई पावर 6x साइन 3x। ठीक है, आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ
यहाँ इसका गुणा कर देते हैं, इसमें इसमें का गुणा कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ हो जाएगा 3×9 e6x cos 3x, 3×6 18 sin 3x e6x, यहाँ हो जाएगा प्लस 6×36 cos 3x e6x, 6×18 e6x sin 3x। ठीक है, ये हो गया। हमने क्या क्या गुणा किया, 3×9 हो गया, 3×6 18 प्लस माइनस माइनस यहाँ देखिए, इसलिए माइनस हो गया क्योंकि माइनस बाहर है, और यहाँ 6×36, ठीक ये हो गया, और यहाँ से फिर इसके अंदर वह 6×18 हो गया। अब देखेंगे जोड़ेंगे कटाएंगे, देखिए क्या कटता है क्या होता है। तो यहाँ देखिए 18 e6x और sin 3x क्या हो जाएगा, दोनों ये माइनस माइनस है, और यहाँ ये 36 e6x और cos 3x ये प्लस है ये माइनस है। तो क्या करेंगे हम, ये दोनों इसमें देखिए घटेगा, 36 में से ये 9 ज्यादा क्या हो जाएगा क्योंकि सेम है देखिए दोनों, ठीक है। तो 9×27 यहाँ से 9×27 हो जाएगा, 27 e6x cos 3x, ठीक ये हो जाएगा, और 18 18 हो जाएगा ये 36 e6x sin 3x हो जाएगा। तो यहाँ हम चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं जो भी चाहें, तो यहाँ 9 कॉमन ले सकते हैं फिर, ठीक है। तो ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, 9 कॉमन लेंगे, 9×27 9×36 9 कॉमन ले लेगा, तो e6x cos 3x 9×36 e6x sin 3x, यही जो है इसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका अवकलन हो गया। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार है उसको भी आप ध्यानपूर्वक देखिए। ये दिया है आठवां है, tan इनवर्स x दिया है, तो इसको भी हम मान लेंगे y बराबर। अब ये y बराबर मान लेंगे, अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर, तो dy dx अवकलन इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/1 + x² हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका होता है पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो d2y dx² हो जाएगा। जब u बाई v के रूप में होता है तो आप फार्मूला इसका जानते होंगे, ये फार्मूला होता है कौन सा लगेगा, ये सूत्र लगेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जब y बराबर u बटा v रहता है तो dy dx करते हैं, तो v को छोड़ते हैं d u का करते हैं, i u का छोड़ते हैं dv बटा, यहाँ v का हो गया था होल स्क्वायर हो जाता है, वही सूत्र यहाँ लगेगा। इसका छोड़ेंगे d dx 1 का अवकलन माइनस 1+x² का हम क्या करेंगे, 1 को छोड़ेंगे d dx 1+x² बटा 1+x² का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 1+x², 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, यहाँ 1 है इसका अवकलन, 1 का यहाँ 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2x, ठीक, बटा नीचे हो जाएगा 1+x² का ये होल स्क्वायर, ये ऊपर आ गया है तो पूरा 0 हो जाएगा, -2x बटा 1+x², ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, ये यानी d2y dx² बराबर हमारा आ रहा है -2x × 1/1+x². तो यहाँ देखिए y का मान क्या दिया है, ठीक है, y का मान यही दिया है, तो y का मान हम ला कर रख देंगे इसमें, -2x × 1/1+x², ये किसका मान था, dy dx का मान था, ये किसका मान था, dy dx का मान था, यहाँ ला कर रख देंगे। तो यहाँ से d2y dx² -2x dy dx हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा यहाँ 2x dy dx 0 हो जाएगा।
ठीक है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी यही काम होगा, अगर यहाँ हम कॉमन लें, ठीक है। तो इस काम इस क्वेश्चन मैंने इसके पहले जो उसमें मैं सॉल्व किया था अभी, ठीक है। तो यहाँ अगर हम कॉमन लें तो इस प्रकार यहाँ भी जो है हो जाएगा। देखिए इसमें यहाँ बच रहा था क्या, ये नहीं, ये तो वो था 18 12 18, ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये इस प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।